उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर में दो और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कुछ दिन पूर्व भी गाजीपुर में एक के बाद एक दो कोरोना मरीज मिले थे, जिसके बाद उनके गांव को पूरी तरह से सील कर हॉटस्पॉट जोन घोषित कर दिया गया था। गाजीपुर में दो और कोरोना मरीज मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि शादियाबाद के सराय गोकुल गांव और करंडा के कुचौरा गांव में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जानकारी पाते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों गांवों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पॉजिटिव मिलने की पुष्टि नोडल अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार ने की है, जबकि सीएमओ डॉक्टर जीसी मौर्य ने बताया कि पॉजिटिव की चर्चा है लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इससे पहले जिले में कोरोना से संक्रमित हो चुके मरीजों की संख्या 8 थी, जिनमें से 6 कोरोना मरीज ठीक हो चुके थे जबकि 2 एक्टिव केसेस थे। अब 2 और कोरोना मरीज मिलने के बाद ये संख्या 10 पहुंच चुकी है, जिनमें से अभी 4 एक्टिव केसेस हैं। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।